चलिए बात करते हैं भटगांव की, जहां पर पूर्ण तहसील का दर्जा दिए जाने पर नगर के लोगों में काफी खुशी है। इस मौके पर स्थानीय नागरिकों ने जमकर खुशियां मनाई। लोगों का मानना है कि तहसील बन जाने के बाद इलाके में विकास के रास्ते खुलेंगे और क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में बदलाव भी आएगा। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने सरकार को धन्यवाद देते हुए बिलाईगढ़ के विधायक सहित जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। इस मौके पर बस स्टैंड से आतिशबाजी और राउत नाचा के साथ पैदल मार्च भी निकाला गया और उसके साथ ही विधायक निधि से मुक्तिधाम नगर में दशहरा रंगमंच और खैया पारा के रंगमंच निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई। असीम कृपा आभार सहयोग और प्यार भड़गांव नगर से मांगला चंद समय नहीं लगी, जन चौपाल में घोषणा करी और आज भड़गांव नगर पंचायत के हमारे तमाम नागरिक अभिनंदन समारोह रखे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, सरकार के प्रति और विधायक के प्रति आज इसका आभार और सम्मान दी। और बरसात ज्यादा बातचीत के लिए अखिल माणिकपुरी संवाददाता जुड़ चुके हैं बिलाईगढ़ से। हम अखिल से जानना चाहेंगे, अखिल जिस तरह हम देख रहे हैं कि खैया पारा में जो बात करें जहां पर नई तहसील बनने से लोगों में खुशी का माहौल है, हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास सौगातें दी गई है। अखिल आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी अखिल, जानना चाहेंगे जिस तरह भटगांव को तहसील बनाने के बाद जो लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला है, उसके बाद क्या कुछ नजारे वहाँ देखने को मिल रहा है और क्या कुछ सौगातें वहाँ के स्थानीय विधायक ने दी है? जी बिल्कुल, मैं बता दूँ कि पूर्व में मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, तब वो तहसील का घोषणा किया हुआ तहसील बना दिया गया, वही जो मिनी स्टेडियम के 2 करोड़ का घोषणा किया, उसका भूमि पूजन किए विधायक साहब, वही नगर में बाल उद्यान हो गया, देवांगा समाज के लिए हो गया, सिटी रोड जैसे कुल टोटल ब्लैक और ब्लॉक में 3 करोड़ 60 लाख रुपए का अनुदान का घोषणा किया, जिसके कारण क्षेत्र में खुशी की लहर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण जगह जगह पर विधायक जी का स्वागत किया जा रहा है और उत्साह अधिक देखने को मिल रहा है, ताकि केंद्र ब्लॉक में इस बार अगले वर्ष अगले 5 वर्ष के बराबर ज्यादा घोषणा किया है, ज्यादा मतलब विकास हो रहा है, इस कारण को देखकर दिवाडर के कारण सब इन लोगों को देखकर लोगों में खुशी का माहौल देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया माणिकपुर इस बात को साझा करने के लिए। चलिए हमारे साथ इस वक्त विधायक चंद्रदेव राजी जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। सर विधायक जी, आपका आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद विधायक जी 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 सर बोलिए। नमस्कार। अच्छा विधायक जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। सर जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो हम बात करें एक नई तहसील का दर्जा मिला है और इसके चलते जो वहां के रहवासी उनमें काफी खुशी का माहौल है और खैया पारा में भी 2 लाख रुपए की लागत से रंगमंच बनाने की बात कही गई है और भटगांव की तहसील बनने पर खुशी की लहर भी है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह जब आप वहां पहुंचे तो लोगों में काफी उत्साह है, राउत नाचे का प्रस्तुतियां दी गई, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ विकास कार्य और होने की उम्मीद है आपके कार्यकाल में? देखिए ये 17 साल बाद नगर पंचायत भटगांव जो तहसील था कांग्रेस के समय में, उस समय उप तहसील बनाई गई थी और 17 साल बाद पुनः उसको तहसील का दर्जा कांग्रेस की सरकार ने दी है। निश्चित है वो बड़ा भूभाग बड़ा क्षेत्रफल है जहां 2 लाख से अधिक जनजीवन सरसियों भटगांव क्षेत्र के लोग निवास करते हैं, ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित जाति पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र है, ये खुशी का ये वातावरण छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, प्रभारी मंत्री माननीय टीएस बाबा जी और पूरे मंत्रिमंडल को, पूरे क्षेत्रवासी ने धन्यवाद दी है। 1,66,00,000 की नाली और अधोसंरचना मद से सीसी रोड की भूमि पूजा हमने किया है जी। इसके लिए हमने पूरी सरकार को धन्यवाद दिया है। इसके अलावा भी अभी डीएमएफ से गौरव पद की स्वीकृति के लिए माननीय टीएस बाबा ने लिखी है जी, उसमें भी अब स्वीकृति मिल जाएगा ऐसा पूरी विश्वास है। तो ये एक तरीका से नगर भटगांव के लिए बड़ी सौगात है जी, बिलाईगढ़ विधानसभा के लिए, तो मैं तो पूरी सरकार को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा जी। जाहिर तौर पर यानी कि जो सौगात मिली है भटगांव को एक तहसील के रूप में, और हम दृश्य भी देख रहे हैं कि जिस तरह आपका स्वागत किया जा रहा है और साथ में जो हम बात करें राउत नाचा के जरिए सब लोग खुशी मना रहे हैं, ये भी एक मिसाल कायम की गई है इस क्षेत्र के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रदेव जी। थैंक यू जी।